हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रेंट केयर प्रॉपर्टी। आज फिर से मैं आ गया हूँ और एक वीडियो के साथ, नया प्रॉपर्टी के साथ, दक्षिणेश्वर में, जो है दक्षिणेश्वर मेट्रो से बहुत नज़दीक, आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाएगा ये फ्लैट। तो अभी आप लोगों को मैं पहले बाहर का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग अंदर लेके जाऊँगा। मैं बाहर का व्यू, ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पीछे, अभी तक आपको जो फ्लैट दिखा है ना, अभी ये है बाहर का व्यू, ये बाहर का भी। तो हम लोग अभी वहाँ से अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो फ्लैट का जो नाम है कॉम्प्लेक्स का, अद्दा शक्ति, ये आपका कॉम्प्लेक्स का नाम है। चलिए आप लोग अभी आप लोग अंदर में लेकर चलते हैं। चलिए अभी हम लोग अंदर जाते हैं। ये आ गए हैं ऊपर में, वो लिफ्ट एंड ये स्टेयर्स। इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 7 ब्लॉक्स है, ए से जी तक। और ये जो बिल्डिंग है वो ब्लॉक नंबर सी पे है। ये फ्लैट से बाहर का व्यू, नीचे या ऊपर जाके मैं बाहर का व्यू पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को डिटेल में। जस्ट अभी जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए, बाद में मैं फुल वीडियो दूंगा। फ्लैट में एंट्री करते आपको पहले लिविंग एरिया मिलेगा। लिविंग एरिया का जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 14x6। फर्नीचर जो है, अभी जिन लोगों का फ्लैट है उन लोगों का फर्नीचर है, तो फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, आपको खाली वैकेंट फ्लैट ही मिलेगा। फ्लैट ज़्यादा पुराना नहीं है, ये देखिए। फ्लैट में रुकते ही लिविंग एरिया में ऊपर में इंटीरियर डिज़ाइन का काम किया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है डिज़ाइन किया है उसी लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कोई भी चीज़ अगर आपको जानना होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगा। ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया का जो साइज रहेगा वो रहेगा 14x8। और इस फ्लैट का साउथ ओपन है, आप लोगों को दिखाएंगे। जो पहले दिखा रहे थे मिडिल का व्यू, कॉम्प्लेक्स का मिडिल का व्यू, वो था साउथ उस साइड में, तो साउथ तो ओपन है। सीधा है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये किचन साइड वेस्ट। और ये है किचन, किचन में आपको जो जो देख रहे हैं सब मिलेगा, सिर्फ ओवन और चिमनी छोड़कर। और ये है साउथ, इस साइड में साउथ, तो आपको साउथ ओपन मिलेगा। और सबसे नज़दीक जो स्कूल है यहाँ का, किर्जी होगा सबसे नज़दीक स्कूल, श्री श्री शारदा देवी का स्कूल है सबसे नज़दीक, एंड मैरीलैंड स्कूल। यह बाथरूम, दो बाथरूम है, एक कॉमन, यह कॉमन बाथरूम और एक सेपरेट बाथरूम। ये था कॉमन बाथरूम। ये फर्स्ट रूम है और इस रूम का जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 10x7। और यहाँ से नज़दीक जो हॉस्पिटल है वो शहीद खिदराम बोस हॉस्पिटल, अयोध्या हॉस्पिटल, यह सबसे नज़दीक हॉस्पिटल है। ये जो वॉल आलमारी है ये तो फ्लैट के साथ ही रहेगा। मार्केट जो है आपको लास्ट में दिखाएंगे कितना नज़दीक है मार्केट। ये एक बेलकोनी है, दो रूम के साथ अटैच है। इसमें रेंज में है साउथ, साउथ तो ओपन मिलेगा। ये मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 12x14। तो ये मास्टर बेडरूम है, इसके साथ बाथरूम अटैच है। इस साइड में ईस्ट, वो भी ओपन है, क्योंकि एक फ्लैट से एक फ्लैट के गैप बहुत ज़्यादा है। ये कॉमन बाथरूम, ये मास्टर बेडरूम का पूरा व्यू। यहाँ से दक्षिणेश्वर स्टेशन जाने में टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा
पैदल जाएंगे तो 10 मिनट। ये पूरा डाइनिंग हॉल का फ्लैट देख कर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको सजाना है। चलिए अभी ऊपर चलते हैं छत पे, यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स का व्यू ऊपर से, एक छोटा सा पॉन्ड है देखने में अच्छा लगता है। ऊपर वाटर टैंक है, ऑटोमेटिक पंप है तो पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जैसा फ्लैट छत का दूसरा साइड और एक साइड है वो आप लोगों को दिखाएंगे। वो जो है वो आधा पीठ मंदिर, ये देखिए ये है आधा पीठ मंदिर, जस्ट फ्लैट के एकदम पास में ही है। और आप लोगों को यहाँ से मैं दक्षिणेश्वर मंदिर भी दिखाऊंगा। ये था पहला साइड एंड ये दूसरा साइड। ये देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर एंड वो ब्रिज जो है दक्षिणेश्वर मंदिर के पास, और देखिए ये आधा पीठ मंदिर है कितना नज़दीक है। तो रूफटॉप बहुत बड़ा है, तो आप आइए शाम को आइए टहलिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए चेयर लेकर आइए, बैठिए, चाय पीजिए। और ये कॉम्प्लेक्स का नीचे का व्यू है, नीचे एक शिव मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा एक शिव मंदिर है। ये था पूरा व्यू, टोटल 7 ब्लॉक्स है। ये सी ब्लॉक नंबर सी, थर्ड फ्लोर में जो फ्लैट है वो आप लोगों को दिखाया था मैंने अभी। देखिए पॉन्ड में कितना सारा मछली है, बाहर से भी लोग आते हैं इन लोगों को मछली को खाना खिलाने के लिए, आप लोग भी खिला सकते हो। ये देखिए फ्लैट में और दो चीज़ें, ये फ्लैट का जो पानी का प्योर होता है ना, इसलिए यहाँ पे प्योरीफायर लगा है पानी के साफ करने के लिए। और फ्लैट का जिम है, मल्टी जिम खुद का कॉम्प्लेक्स के अंदर। और एक कम्युनिटी हॉल भी है, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये है कम्युनिटी हॉल, यहाँ पर अब आइए खेलिए। यहाँ पे टेबल टेनिस भी है। फ्लैट का जस्ट बैक साइड में एक फील्ड है, तो खेलने का तो बहुत जगह है। वो देखिए वो एक डीजी है पावर बैकअप के लिए फ्लैट में, तो फ्लैट में पावर बैकअप है, कम्युनिटी हॉल है, जिम है, सब है फ्लैट में। ये था कॉम्प्लेक्स के बाहर का, जस्ट पास में आके आपको यहाँ पे यूनियन बैंक, यूको बैंक मिलेगा। एंड जस्ट थोड़ा जाके आपको SBI एंड एक्सिस बैंक ही मिलेगा। तो यहाँ पे नज़दीक में बैंक, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल सब मिल जाएगा आपको। मेट्रो स्टेशन तो नज़दीक है पूरा, इस साइड से हम आए थे और इस साइड में आधा पीठ जाएंगे हम लोग तो। और इस साइड में रॉक तला BT रोड जाने के लिए यहाँ पे मार्केट बसता है, और थोड़ा जाके मार्केट है। तो इस साइड में है आधा पीठ, चलिए हम लोग जाते हैं। Please subscribe my YouTube channel, and if you find this video helpful then please like, share and comment. And ye hai Adyapit Mandir. Thanks for watching.